नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM AIIMS न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो आज के वीडियो में हम आपको कुछ बेसिक कैंसर प्रिवेंशन की चीज़ों के बारे में बताएंगे, जिन सिंपल चीज़ों को फॉलो करके आप अपना कैंसर का रिस्क लगभग 2/3 तक कम कर सकते हैं और अपनी फैमिली को भी यही बेनिफिट दे सकते हैं। अक्सर जब पेशेंट मुझसे मिलते हैं, उनका नंबर वन क्वेश्चन यही होता है कि डॉक्टर साहब, हम अपना कैंसर का रिस्क कैसे कम करें। और हमने रिसेंट जो चैनल पे सर्वे कंडक्ट किया था, उसमें भी मोस्ट पॉपुलर रिक्वेस्ट यही वीडियो था, इसलिए हम आज ये वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, 5 बेसिक चीजें हैं जिनको आप अगर फॉलो करोगे, अपना लाइफ स्टाइल उसके अकॉर्डिंग करोगे, तो उससे अपना कैंसर का रिस्क ड्रास्टिकली कम कर सकते हैं। तो नंबर वन कॉज जिससे आप अपना कैंसर का रिस्क कम कर सकते हैं, वो है तंबाकू का सेवन छोड़ना। तो दोस्तों, तंबाकू वर्ल्ड का नंबर वन कैंसर का कारण है। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा प्रिवेंटेबल डेथ्स का कारण तंबाकू है और 1/3 कैंसर का कारण तंबाकू है। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरू में कहा था, 2/3 कैंसर का रिस्क कम करना है, इसमें से 1/3 सिर्फ तंबाकू का सेवन छोड़ के आप ऑब्टेन कर सकते हैं। हमारे कंट्री में स्पेशली नॉर्थ इंडिया साइड पे प्रोस्टेट कैंसर को छोड़ के 5 टॉप कैंसर में तंबाकू रिस्पॉन्सिबल है। तो तंबाकू कॉमनली या तो च्यूएबल फॉर्म में या स्मोकिंग फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। तंबाकू से बचने का बेस्ट तरीका है कि तंबाकू का इस्तेमाल कभी शुरू ही ना किया जाए। तंबाकू कंपनियां कोशिश करती है कि यंग एज पे लोगों को पकड़ कर उनको एडिक्ट बना दिया जाए, क्योंकि एक बार तंबाकू की आदत पड़ जाए तो लत छोड़ना डिफिकल्ट होता है। तंबाकू छोड़ने के लिए काफी ऑर्गेनाइज तरीके हैं जिनकी मदद से हम कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं और तंबाकू छोड़ सकते हैं। तो इस टॉपिक को हमें फ्यूचर वीडियो में डेफिनेटली कवर करेंगे। नंबर टू कैंसर प्रिवेंशन का तरीका है दोस्तों, अल्कोहल का सेवन कम करना। तो अल्कोहल एक कार्सिनोजेनिक पदार्थ है, इससे कई कैंसर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुंह का, खाने के ट्यूब का, स्टमक का, लिवर का, ब्रेस्ट का और बड़ी आंत का कैंसर शराब की वजह से होता है। तो आइडियली शराब का सेवन निल होना चाहिए, परंतु यदि हम एक मिनिमम इंटेक की भी बात करें तो एटमोस्ट 2 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स एक आदमी एक सिटिंग में सेवन कर सकता है। जितना ज्यादा उससे ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल होगा, उतना ज्यादा कैंसर का रिस्क बढ़ता चले जाएगा। नंबर तीन तरीका है इससे हम अपने आपको और अपनी फैमिली का कैंसर का रिस्क कम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन यानी इम्यूनाइजेशन। तो दोस्तों, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो वेरियस इन्फेक्शन के कारण होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 कैंसर होते हैं, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर, जो भी HPV नाम के वायरस के इन्फेक्शन से होता है, और हेपेटाइटिस बी, जो लिवर का कैंसर कॉज करता है। तो दोस्तों, इन दोनों कैंसर के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। HPV वैक्सीन एक वैक्सीन होती है जो मेन स्पेशली हमारे घर की सिस्टर्स और डॉटर्स को लगाना चाहिए। इस वैक्सीन को लगाने का जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग 11 साल की उम्र से लेकर शादी तक के पीरियड में इस वैक्सीन का फायदा हम इनको दे सकते हैं। और यदि ये वैक्सीन को इस टाइम पीरियड में लग जाए तो बच्चेदानी के मुंह से के कैंसर का लगभग 70% तक रोकथाम इस वैक्सीनेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी एक ऐसी बीमारी है जो हमारे देश में बहुत कॉमन है। ज्यादातर मरीजों को पता नहीं होता कि उनको हेपेटाइटिस बी है, और ओवर टाइम ये वायरस लिवर को खराब भी करता है, लिवर कैंसर भी कॉज करता है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन एक बहुत ही ईजी और सस्ता तरीका है जिससे हेपेटाइटिस बी होने का रिस्क हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे ज्यादातर बच्चों को पैदा होने के टाइम से हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन का फायदा मिलता है, पर ओल्डर पॉपुलेशन में ज्यादातर लोगों को हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो जिनको अपना हेपेटाइटिस बी स्टेटस नहीं पता, उनको टेस्टिंग करनी चाहिए और अपना वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए करवाना चाहिए। नंबर 4 होता है स्क्रीनिंग। तो दोस्तों, स्क्रीनिंग से बड़ा तात्पर्य है फिट आदमी की टेस्टिंग, ताकि कैंसर होने से पहले ही कोई अर्ली कैंसर के साइन या सिम्टम है तो उनको हम पकड़ के कैंसर के अर्ली स्टेज या प्री कैंसर स्टेज को ही खत्म करते हैं। इसका क्लासिकल एग्जांपल होता है पैप स्मियर। तो पैप स्मियर बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और ये यूजली फिट वुमेन में होता है अबव द एज ऑफ 30। इसमें क्या होता है कि बच्चेदानी के मुंह से कुछ सेल सैंपल करके उन्हें एक स्लाइड में फैला के हम टेस्ट कर लेते हैं, और यदि उनमें कोई भी अर्ली प्री कैंसर स्टेज दिखता है तो उसी टाइम उस प्री कैंसर स्टेज का इलाज करके फ्यूचर में कैंसर होने को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह अलग अलग कैंसर में अलग अलग तरीके से स्क्रीनिंग की जा सकती है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में मैमोग्राफी से स्क्रीनिंग की जा सकती है,
लंग कैंसर में लो डोज सीटी स्कैन से स्क्रीनिंग की जा सकती है, प्रोस्टेट कैंसर में पीएसए नाम के ब्लड टेस्ट से स्क्रीनिंग की जा सकती है, और आंत के कैंसर से दूरबीन की जांच या स्टूल में डीएनए या ब्लड की जांच से स्क्रीनिंग की जा सकती है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये अलग अलग पॉपुलेशन के लिए अलग अलग स्क्रीनिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न पॉपुलेशन जहाँ पे कॉलन कैंसर बहुत कॉमन है उसमें कोलोनोस्कोपी से स्क्रीनिंग रिकमेंड की जाती है रूटीनली, जबकि हमारी कंट्री जिसमें आंत का कैंसर थोड़ा कम होता है उसमें रूटीनली हर पेशेंट के लिए हम स्क्रीनिंग एडवाइज नहीं करते। कुछ पेशेंट्स की फैमिलियल हिस्ट्री होती है, उनमें जेनेटिक्स की वजह से कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है, इन पेशेंट में स्क्रीनिंग शेड्यूल ज्यादा अग्रेसिव होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी लेडी में जेनेटिक प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से उसका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत हाई है तो जनरली उनकी स्क्रीनिंग हम यंगर एज में शुरू करते हैं और मैमोग्राफी के बजाय और अग्रेसिव मोडालिटी जैसे कि MRI से उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। तो हर पर्सन की स्क्रीनिंग इंडिविजुअलाइज्ड है और अलग अलग पेशेंट्स की अलग अलग तरीके से स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। तो दोस्तों लास्ट और मे बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे टू प्रिवेंट कैंसर इज गुड लाइफस्टाइल। आजकल जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल ज्यादा आर्टिफिशियल और ज्यादा वेस्टर्नाइज होती जा रही है वैसे वैसे हमारी पॉपुलेशन में कैंसर का रिस्क बढ़ता जा रहा है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन किया जाए, रेगुलर डाइट और एक्सरसाइज का फायदा लिया जाए और कुछ कार्सिनोजेनिक डाइट्स का फायदा ना लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि WHO ने डिक्लेयर किया है कि रेड मीट यानी लाल मांस और प्रोसेस्ड मीट यानी वो मांस जो फैक्ट्रीज में बनते हैं इनमें वेरियस केमिकल्स के प्रेजेंस होने की वजह से इन फूड आइटम्स को ओवर यूज से आदमी का कैंसर का रिस्क बढ़ता है, खासकर आंत के कैंसर का। तो ये वो पदार्थ है जिनको कम से कम लाइफ में खाना चाहिए और ज्यादा इन पदार्थों को इस्तेमाल डेली डाइट में नहीं करना चाहिए, इसकी बजाय जितना पॉसिबल हो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन करना चाहिए और हेल्दी नेचुरल डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए रादर देन आर्टिफिशियल फैक्ट्री डाइट जो कि कैंसर को प्रिवेंट करता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। हम ये टॉक जब भी लेते हैं हमने देखा है कि पब्लिक के कई कई सवाल होते हैं जो वो हमसे पुटअप करते हैं, तो स्क्रीन पे हमारे सोशल मीडिया लिंक सिस्टम में डिस्प्लेड है, आप चाहे तो वीडियो कमेंट से या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी पर्सनली आपके सवाल का जवाब आपको जल्दी से जल्दी मिले। हमारा पर्पस इस चैनल से ये है कि कैंसर के मोस्ट मॉडर्न नॉलेज और मोस्ट मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की इन्फॉर्मेशन इंडियन पेशेंट्स को भी मिले ताकि वो इस चीज़ का फायदा उठा सके। तो यदि आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।